हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल जैसा स्टडी में। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश अलाइड प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन है असिकनी, क्षिप्रा, पुरुषनी और कलिंदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कलिंदी। और ये जो पिक्चर है वो है यमुना नदी की पिक्चर, और जो असिनी जो वैदिक नाम है वो है चिनाब नदी का, और क्षिप्रा जो है क्षिप्रा नदी का नाम है, और ये क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो पुरुषनी जो नाम है वो है रावी नदी का वैदिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? ये जो नदी है ये है व्यास नदी, और ऑप्शन है रामपुर, लारजी, कांगला और कुंगती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लारजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? ऑप्शन है गड़ासुरू, करेरी, महाकाली, मणिमहेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा करेरी झील। और ये जो पिक्चर है ये करेरी झील की पिक्चर है, और जो करेरी झील है ये कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है? कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जोड़ता है? तो इसका जो आंसर है वो है दुलची दर्रा। और ये जो दुलची दर्रा है ये कुल्लू और मंडी जिले के बीच में है, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 2788 मीटर। और जो जालसूद दर्रा है ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, और इसकी जो ऊंचाई वो है 3658 मीटर। और नेक्स्ट जो जलोरी दर्रा है ये कुल्लू के आंतरिक एवं बाह्य सिराज में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 3125 मीटर। और दराती दर्रा जो है इंबा और पांगी के बीच में है, और इसकी जो ऊंचाई है यह है 4720 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा है? कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा है? ये जो है निर्मंड का इलाका, निर्मंड जगह है, और ऑप्शन है वशिष्ठ, व्यास, परशुराम या विश्वामित्र। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा परशुराम। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवालसर गांव निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ये जो है रिवालसर झील है, और पूरा जो रिवालसर गांव है, और ऑप्शन है पद्म संभव, लोमस ऋषि, गुरु गोविंद सिंह या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये जो चमेरा झील का पिक्चर है, ऑप्शन है बिलासपुर, मंडी, चंबा या सिरमौर। तो ये जो चमेरा झील है ये चंबा जिले में स्थित है, और ये जो चमेरा झील है ये चमेरा बांध के कारण बनी हुई है, और जो चमेरा बांध है ये रावी नदी के ऊपर बनाया गया है, और जो चमेरा बांध है इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 300 मेगावाट, और ये जो चमेरा बांध है ये NHPC के द्वारा बनाया गया है। NHPC की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ओके, और जो बिलासपुर है वहाँ पे गोविंद सागर झील है, मंडी में रिवासर झील है, और सिरमौर में जो है रेणुका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये मिशन जी का पिक्चर है, और ऑप्शन है लुकिंग बैक, लुकिंग बिहाइंड, लुकिंग पास्ट, लुकिंग विद इन। इसका जो आंसर होगा लुकिंग बैक। न्यायमूर्ति मेहर चंद जी के ऊपर और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कांगड़ा जिले से, और पिछले वर्ष नायब तहसीलदार में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नगरोटा से। नेक्स्ट है, अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सी एल दत्ता, ओ सी हांडा या यू एस परमार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यू एस परमार। और जो मनमोहन सिंह जी है इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट,
सी एल दत्ता जी ने लिखी है लद्दाख और पश्चिमी हिमाचल की राजनीति, और उसी हांडा जी ने लिखी है हिमाचल लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्महत्या किया था किस रियासत में हुआ? 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्महत्या किया था किस रियासत में हुआ? ऑप्शन है गुलेरी, सिरमौर, कहलूर या बुसहर। तो इसका आंसर है कहलूर, और ये कहलूर रियासत का पिक्चर है। नेक्स्ट है, गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है? गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है? यह गुग्गा मंडली, और ऑप्शन है गुग्गा नवमी के दिन, रक्षाबंधन के दिन, जन्माष्टमी के दिन या नाग पंचमी के दिन। तो इसका आंसर है रक्षाबंधन के दिन। नेक्स्ट है, मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? ऑप्शन है कमलाह, मलाओं, कोटला या लोहगढ़। तो इसका आंसर है मलाओं का किला, और ये मलाओं के किले का पिक्चर है। नेक्स्ट है, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपने बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? यह कांगड़ा रियासत, और ऑप्शन है घमंडचंद, रूपचंद, अनिरुद्ध चंद और जयचंद। तो इसका आंसर है अनिरुद्ध चंद। नेक्स्ट है, कहलूर रियासत का कौन राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? कहलूर रियासत का कौन राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? यह कहलूर रियासत, और इसके ऑप्शन है महानचंद, खड़कचंद, विजयचंद या अमरचंद। तो इसका आंसर है खड़कचंद। नेक्स्ट है, किस वर्ष के आसपास लाहौल स्पीति पर सिखों ने अधिकार कर लिया? किस वर्ष के आसपास लाहौल स्पीति पर सिखों ने अधिकार कर लिया? लाहौल स्पीति है, और ऑप्शन है 1814 से 15, 1828 से 1829, 1835 से 36, 1840 से 41। तो इसका आंसर है 1840 से 41 तक। नेक्स्ट है, 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये है गोरखा रेजिमेंट, और ऑप्शन है राम प्रसाद वैरागी, सूबेदार भीम सिंह, कमांडर अमरजीत थापा, कैप्टन रतन सिंह। तो इसका आंसर है सूबेदार भीम सिंह। नेक्स्ट है, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कहाँ है? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कहाँ है? ये है बाबा जी की पिक्चर, और ऑप्शन है हरोली गांव, जिला ऊना, गुरनकंठ गांव, जिला कांगड़ा, खिदड़ी गांव, जिला कांगड़ा, भोपाल गांव, जिला हमीरपुर। तो इसका आंसर है गुरनकंठ गांव, जिला कांगड़ा में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मुअल्लक सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के पास ब्यास नदी पर मुअल्लक ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? तो ये है पिक्चर विक्टोरिया ब्रिज की, इसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, और ऑप्शन है 1878 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1888 ईस्वी और 1894 ईस्वी। तो इसका जो आंसर है वो है 1878 ईस्वी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? यह है कांगड़ा वैली, और ऑप्शन है 3975 वर्ग किलोमीटर, 5739 वर्ग किलोमीटर, 7395 वर्ग किलोमीटर, 9537 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है 5739 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब, और ये है औरंगजेब की पिक्चर।
नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से तीन गांव लिए और मखोवाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, को अपना निवास स्थान बनाया? किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से तीन गांव लिए और मखोवाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, को अपना निवास स्थान बनाया? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, और ये है गुरु तेग बहादुर जी का पिक्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की? निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद नहीं की? ऑप्शन है मंडी, चंबा, बुसहर या कहलूर। तो इसका आंसर होगा बुसहर रियासत, और ये है बुसहर रियासत का पिक्चर। नेक्स्ट है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रकाशन को अंग्रेजों की पत्ती पर ढालने की कोशिश की? सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पत्ती पर ढालने की कोशिश की? ऑप्शन है शमशेर प्रकाश, फतेह प्रकाश, धर्म प्रकाश या करम प्रकाश। तो इसका आंसर है शमशेर प्रकाश, और ये है राजा शमशेर प्रकाश की पिक्चर। नेक्स्ट है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए? चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए? ये है चंबा रियासत, और ऑप्शन है 1837 ईस्वी, 1846 ईस्वी, 1861 ईस्वी या 1864 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी। नेक्स्ट है, शिमला जिले के कुछ भागों में कालटा, तेंगटा, गांगटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं? शिमला जिले के कुछ भागों में कांगटा, तेंगटा, गांगटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं? ये है शिमला जिले की पिक्चर, और ऑप्शन है गांव के नाम पर, वंशज के मुखिया के नाम पर, परिवार के पेशे के नाम पर, या जन्म के महीने या दिन के नाम पर। तो इसका आंसर है वंशज के मुखिया के नाम पर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई? ऑप्शन है 1980 से 1981 में, 1985-86 में, 1990-91 में या 1993-94 में। तो इसका आंसर है 1980 या 1981 में। नेक्स्ट है, चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया? ऑप्शन है श्री सिंह, गोपाल सिंह, जीत सिंह या चरण सिंह। इसका जो आंसर है वो होगा गोपाल सिंह, और ये है गोपाल सिंह की पिक्चर। नेक्स्ट है, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिश्चंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उनकी जगह गद्दी पर बैठा? जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिश्चंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उनकी जगह गद्दी पर बैठा? ऑप्शन है रणवीर चंद, जगत चंद, कर्मचंद या घमंड चंद। तो इसका आंसर होगा कर्मचंद, और ये है कर्मचंद जी। नेक्स्ट है, 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबाग्राम के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबाग्राम के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? ऑप्शन है किरत चंद, उदय चंद, दलजीत चंद, प्रताप चंद। तो इसका आंसर होगा प्रताप चंद। नेक्स्ट है, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस राजा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण हार गया? ऑप्शन है किशन सिंह, जगड़ सिंह, हीरा सिंह या लाल सिंह। ऑप्शन है किशन सिंह। नेक्स्ट है, 1951-52 ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1951-52 ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1967 में गठित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 36, 41, 60 या 68। तो इसका आंसर होगा 60। नेक्स्ट है,
एओयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? एओयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? यह एओयूम और ऑप्शन है पीटर हॉफ, रोथली कैसल, रेड रूम या मैनर हाउस। तो इसका आंसर होगा रोथली कैसल। नेक्स्ट है, 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया? 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित किया? ऑप्शन है मथुरा दास, हरदेव मियां, जवाहर सिंह या शोभाराम। तो इसका आंसर होगा शोभाराम। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 1939 को जुबल में हुई पहाड़ी रियासत के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? 13 जुलाई 1939 को जुबल में हुई पहाड़ी रियासत के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है सत्यदेव बुसहरी, भागमल सोठा, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमो। तो इसका आंसर होगा भागमल सोठा। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? ऑप्शन है मंडी में, शिमला में, सोलन में या जुबल में। तो ये हुई थी जुबल में और ये है जुबल। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर कर्म सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर कर्म सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? ऑप्शन है सरकाघाट, जोगिंदरनगर, धर्मपुर या चच्चियोट। तो इसका आंसर होगा चच्चियोट और यह है चच्चियोट गांव। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1966, 1968, 1971 या 1972। तो इसका आंसर है 1968 में। नेक्स्ट है, तवारिक जुबल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है? तवारिक जुबल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन है? ऑप्शन है रंजौर सिंह, गणेश सिंह बेदी, भगवान दास या अक्षर सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भगवान दास। और जो ये है भगवान दास जी और जो रंजौर सिंह जी है उन्होंने लिखी है तारीख ए रियासत सिरमौर, गणेश सिंह बेदी जी ने लिखी है किरत भ्रम बौद्ध ग्रंथ और अक्षर सिंह जी ने लिखी है बिलासपुर की कहानी। ज्यादा पुस्तकों की जानकारी के लिए आप मेरी पुस्तकों वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है भोट, लांबा, खांपा या डूम। तो इसका आंसर होगा डूम। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है शिमला, हमीरपुर, मंडिया, ऊना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊना, ये है ऊना। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सर्वाधिक रही? वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सर्वाधिक रही? ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, शिमला या सोलन। तो इसका आंसर होगा कांगड़ा। नेक्स्ट है, तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है सिरमौर, कुल्लू, शिमला या चंबा। तो ये है शिमला जिले में। और ये जो तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना है ये पवर नदी के ऊपर बनाई गई है और इस जो जल विद्युत परियोजना है इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 44 मेगावाट। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र का चयन कर लिया गया है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र का चयन कर लिया गया है? ऑप्शन है मंडी, कुल्लू, शिमला या बिलासपुर। तो इसका आंसर होगा बिलासपुर। नेक्स्ट है, सर्वरी जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पर है? सर्वरी जल विद्युत परियोजना किस नदी तट पर है? ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, यमुना या रावी। तो इसका आंसर होगा ब्यास नदी। और जो सर्वरी जल विद्युत परियोजना है इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 2x2.5 मेगावाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है सुमेश, कुर्मी, जोगिनी या रुकटी। तो इसका आंसर होगा रुकटी।
और ये जो रुकटी परियोजना है इसकी जो विद्युत क्षमता है वो है 5 मेगावाट। नेक्स्ट है 2010-2011 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है। 2010-2011 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन है 82.09, 85.36, 87.95, 90.23। तो इसका जो आंसर होगा 87.95। नेक्स्ट है वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ऑप्शन है पालमपुर, नूरपुर, शाहपुर या सुजानपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पालमपुर। नेक्स्ट है पोली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितना उपदान दिया जाता है। पोली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितना उपदान दिया जाता है। ऑप्शन है 30%, 40%, 50% या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि हिमाचल में जो है पोली हाउस स्थापित करने के लिए 85% जो है उपदान दिया जाता है। नेक्स्ट है शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है। शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है। ऑप्शन है मसोबरा, खनेटी, चिड़गांव या ज्योरी। तो इसका आंसर होगा ज्योरी में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।